Assalamualaikum dear students, आज हम बात करेंगे स्प्रिंग 2022 में जो आपकी वर्कशॉप हो रही है। वर्कशॉप के एंड पे आपका क्विज आना है। बहुत से स्टूडेंट्स ने सवाल किया कि हमारा क्विज कहाँ पे शो होगा, हमारा क्विज कैसा होगा, MCQs होंगे, टाइम कितना होगा और क्वेश्चन कितने होंगे। तो इसमें कुछ जरूरी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रख के अपना क्विज सॉल्व करना है। और वो जरूरी चीजें क्या हैं? सबसे पहले आपने आपको क्विज कहाँ मिलेगा? आपके LMS पोर्टल पे मिलेगा, जहां पे आपके वर्कशॉप के लिंक्स पड़े होते हैं। आप उनको क्लिक करके MS टीम को ज्वाइन करते हैं, उसी को आप स्क्रॉल डाउन करेंगे जहां पे आपके LMS के लिंक पड़े हुए हैं, तो एंड पे आपको क्विज का लिंक भी मिल जाएगा। आप क्विज के लिंक को ओपन करेंगे तो आपके पास जो नेक्स्ट पेज आएगा उसमें आपको डेट, टाइम और कितने क्विज हैं वो तमाम चीजें वहां पे शो हो जाएंगी। उसमें जरूरी चीज ये है कि एक दफा आप जब क्विज को ज्वाइन कर लें तो आपने बैक नहीं करना। बैक करेंगे तो आप दोबारा से क्विज को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। जस्ट आपके पास एक अटेम्प्ट है, आपने उस एक अटेम्प्ट में 20 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। आपको 20 MCQs दिए जाएंगे, आपने 20 मिनट के अंदर अंदर वो 20 MCQs सॉल्व करने हैं और इससे पहले आपने बैक नहीं करना। बैक करेंगे तो दोबारा से आप क्विज में शामिल नहीं हो सकेंगे। उस पेज पे जब क्विज के पेज पे जब आते हैं तो वहां पे आपको टाइम दे दिया जाता है। फॉर एग्जांपल आपको टाइम दिया जाता है 9 AM to 9 PM, मींस के आपको 12 घंटे के अंदर कोई भी 20 मिनट सेलेक्ट करने हैं और उन 20 मिनट्स के अंदर अंदर आपने अपना क्विज हल करना है। आप फॉर एग्जांपल आपने 10 बजे स्टार्ट किया तो 10:20 के अंदर अंदर आपने उस 20 MCQs के आंसर करने हैं और उसके बाद आपने करना है। अगर आपने उससे पहले कर दिया तो आप दोबारा से क्विज को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में आपके बहुत से सवालों के आंसर मिल चुके होंगे। अगर फिर भी आपने कोई बात पूछनी है, कोई बात रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, तो आपके मैसेज का आंसर हम जरूर करेंगे।